चलिए, तो अब तक हमने काफी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की बात की है। चलिए अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगा के इस अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है। ऑलराइट, अगर ऐसा केस है तो समझ लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेड टाइम्स ई होगा। राइट, एज्यूम कर लिए कि न्यूक्लियस एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल आर रेडियस में ऐसे ही वॉल्यूम में पूरा स्प्रेड आउट है। इस तरह से है, ओके, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। फाइन, तो आप इसको कैसे करेंगे? अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज करी है जिसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली एक ही तरीके का रहता है। यहां पर क्या है, सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज है। फाइन, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो दी नहीं हुई है हमें, राइट, लेकिन एक चीज हमें पता है कि एटम्स आर न्यूट्रल। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है अगर एटम इस तरह से तो वो न्यूट्रल रहेगा। राइट, तो जितना भी चार्ज जेड ई न्यूक्लियस का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का भी रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा जेड ई, जो कि कितने वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है, 4/3 पाई आर क्यूब में स्प्रेड आउट है। राइट, तो रो कितनी हो गई, रो हो गया जेड ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, मतलब कि 3 टाइम्स जेड ई डिवाइडेड बाई 4πr³। ये हो गई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, और ये चीज आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। फाइन, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे न्यूक्लियस के द्वारा कितनी होगी, आउटवर्ड होगी सबसे पहले, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा का पूरा एक पॉइंट चार्ज है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस विल बी व्हाट, के टाइम्स चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, राइट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो होगी इनवर्ड। ये जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन की वो कितना चार्ज इस डॉटेड लाइन के अंदर है सिर्फ उसकी वजह से होगी। राइट, और इस डॉटेड लाइन के अंदर जो चार्ज है समझ लीजिए एक स्मॉल क्यू है, कितना होगा, रो विच इज 3ZE डिवाइडेड बाई 4πr³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही होगा ना। तो 4π और 4π तो कट गया यहां से, 3 और 3 भी कट गया, तो कितना चार्ज होगा, z टाइम्स e इंटू r/r³ होगा। राइट, इतना चार्ज होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द न्यूक्लियस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ये होगा, राइट, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो के जेड ई अगर मैं कॉमन ले लू तो ये हो जाएगा 1/r² माइनस r/10। तो ये हो गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। फाइन, तो मैं k को 1/4π₀ भी लिख दूंगा, तो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। राइट, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो फंडामेंटल्स यूज करके। ऑलराइट, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के ढेरों सवाल बन सकते हैं। ऑलराइट, अब एक और सवाल मैं करने जा रहा हूं जो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जेई एडवांस में कुछ सालों पहले पूछा गया था, लेकिन बड़े आसानी से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। फाइन, तो समझ लीजिए आपके पास वॉल्यूम में चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वॉल्यूम में जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे
इतना जो है चार्ज आपने रिमूव कर दिया, तो ये हॉलो है एक तरह से। जो चार्ज डेंसिटी रो है वो सब में है एक्सेप्ट इस पार्ट में, इस स्फेरिकल पार्ट में नहीं है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है, ठीक है। जो आपको गिवन है वो इसका लोकेशन गिवन है और इस सेंटर का लोकेशन गिवन है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? पहली बात तो ये कि ये जो स्फीयर है इसको मैं बोल सकता हूं ये एक बड़े सॉलिड स्फीयर से बना हुआ है प्लस एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से बना हुआ है जो मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया। अगर मैं उसको यहां रख दूं तो ये चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी भी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज रो होगी लेकिन है वो माइनस रो, एज इन वो नेगेटिवली चार्ज है दिस वन, ठीक है। तो एक तरह से मैं सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर की वजह से यहां पर जितनी होगी प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पे इस पॉइंट पे वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वेक्टर है कुछ इस तरह से आएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वजह से है यहां इस पॉइंट पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसकी इलेक्ट्रिक ऊपर इंपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो जो बाकी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहां पर समझ लीजिए मैंने नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी रो रख दी है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वही रो, समझ लीजिए आर टू है तो रो आर टू डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही समझ में? देखिए आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव की होगी हॉलो सॉरी सॉलिड स्फीयर की, तो हमने क्या किया था, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर लिख दिया था, यूनिट वेक्टर। तो जो आर यूनिट वेक्टर है मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है, मतलब कि जो वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग ए डायरेक्शन है रेडियल, तो वो इसी के अंदर मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी है, ओके। अब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूं इस तरह से, ई नेट विल बी रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस सॉरी प्लस रो आर टू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर मैंने आर टू वेक्टर ऐसा लिया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लिया है। आप सोच रहे होंगे कि रो तो नेगेटिव है तो माइनस रो क्यों नहीं, अगर आप आर टू वैसा लेंगे इस डायरेक्शन में तब आप उसको माइनस रो लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने पहले ही मुझे पता है, करेक्ट डायरेक्शन मैंने ले ही लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बस नेगेटिव साइन क्यों लगाना है, ठीक है। तो दिस इज टू रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, राइट। और आर वन प्लस आर टू वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, वेक्टर क्या है, सेंटर टू सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर वन टू। इससे यह पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चीज के अंदर कहीं भी आप चले जाइए कॉन्स्टेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आता है, ये जे एडवांस में एक बार पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझिए तो ये बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है जिसकी थोड़ी सी एक ट्रिक है करने की, ओके ओके दोस्तों। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है वेरियस सिनेरियोस की, अब हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट भी है, ठीक है। और अगर कोई सवाल जे एडवांस में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी सेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन में विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ट्रिकी क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, राइट। उस सेक्शन का नाम है गॉस लॉ, ठीक है। तो अब इस टॉपिक का नाम तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने जाना था अगर एक इंक्लोजर होगा उसके बाहर कितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं या कितनी नेट नेट अंदर रही हैं, वो एक इंडिकेशन दे देता है कि नेट चार्ज कितना है, ठीक है। तो कितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं और कितनी जा रही हैं उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब वो एक फिजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट कर सकती है। और ये जो नंबर
स्पीड लाइंस है, किसको किसी तरह मैं फाइंड कर लूं, तो वो प्रोपोर्शनल होगी कितना चार्ज है उसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइंस पर एरिया। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी कि लाइंस उस एरिया से निकल रही हैं, क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए आपके पास ये पांच लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पास पांच फील्ड लाइंस हैं। आपने पहले तो ये सरफेस बनाई, अब मुझे बताइए कितनी फील्ड लाइंस में से क्रॉस हो, पांचों की पांचों। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दीजिए, अब कितनी क्रॉस करेंगी? हो सकता है चार ही क्रॉस करें, फिर आप इसको और टिल्ट कर देंगे, हो सकता है तीन ही करें, और जब ऐसे कर देंगे तो एक भी क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो सिर्फ एरिया मल्टीप्लाई करने से कितनी लाइन उससे क्रॉस हो रही है उसका अंदाजा नहीं है। यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया भी बड़ा रोल है, किस से एरिया प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए लोग एरिया को यहां पर एक वेक्टर मानेंगे। फाइन, तो लोगों को एक तो पता है कि अगर एरिया ऐसा रखा है तो मैक्सिमम फील्ड लाइन आएगी, ऐसे टिल्ट होता जाएगा, रख दिया तो जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ वेक्टर इस तरह से डिफाइन करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज, सॉरी, जो कि फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है, इनटू एरिया तो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ में एंगल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट एक ही तरीके से लिया जा सकता है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनटू ए इनटू कॉस थीटा करूंगा तो वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में आता है मेरा, क्योंकि इस तरह से मैं इस डॉट प्रोडक्ट से दिखा सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, और एक और चीज, मुझे थीटा इस तरह से लेना है कि थीटा इस केस में मैक्सिमम हो और इस केस में मिनिमम हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल निकल के आती है कि अगर वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर दूं कि जो नॉर्मल टू द सरफेस है, जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो है एरिया का वेक्टर। अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं तो एंगल कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में इस सिनेरियो में? जीरो हुआ, तो कॉस थीटा वन हो गया, राइट? तो इसको मैं बोल देता हूं फ्लक्स। फ्लक्स रिप्रेजेंटेशन है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है एरिया से। ठीक, तो इस केस में कितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में? 90 डिग्री है, तो फ्लक्स विल बी जीरो। फाइन, तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वेक्टर फॉर्म में इसको मैं वापस से ई डॉट ए ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन अगर मान लीजिए कि एरिया का जो वेक्टर है, अगर मान लीजिए का वेक्टर वेरी कर रहा है, कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से एरिया है, तो कैसे निकालेंगे आप एरिया का वेक्टर? एरिया का जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो हर जगह रह रहा है कि नहीं? हर जगह एरिया का वेक्टर चेंज हो रहा है, यहां पे नॉर्मल ये है, इधर ये है, राइट? हर जगह नॉर्मल का डायरेक्शन बदल रहा है। तो मैं डायरेक्टली ई डॉट ए कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई डॉट प्रोडक्ट ही बदलता चला जा रहा है, जहां पे जाऊंगा एंगल बदल गया वहां पे। तो इसको मुझे एक इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कुछ इस लिख सकता हूं, ई डॉट विथ डी। डॉट विथ डी ए ये है कि अगर मैं यहां पे स्मॉल डी ए का एक एरिया ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड डी ए है, उस स्मॉल में जो डायरेक्शन है एरिया का उसका डायरेक्शन जीरो होगा, मतलब वो उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि डी ए का जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूं हर एक डी ए का, तो वो एक इंटीग्रल की शक्ल ले लेगा। ठीक है, और यहां पे इस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीड नॉट बी यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीए को लग रही है वही इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। तो ये एक ओपन सरफेस है, तो आप ओपन की लिमिट यहां रख दीजिए,
आपको उस सरफेस के अलोंग फ्लक्स निकल आएगा, लेकिन ये एक सिर्फ मैथमेटिक चीज आपके सामने निकल के आएगी, एक ओपन से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है सिर्फ उस चीज का कि सरफेस क्लोज्ड है तो उससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है या कितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको क्लोज सरफेस के अलोंग करने जाए, फ्लक्स विल बी इक्वल इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, ठीक है। तो मैं ये सर्कल इसलिए बना रहा हूं इंटीग्रल के साथ, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इंटीग्रल आपको क्लोज सरफेस पे ही लेना है, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस है ना, इसको भी आप मल्टीपल सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज सरफेस कुड बी अ पेंटागन, ठीक है, सरफेस 2, 3, 4, 5 इस तरह से है अगर, तो मैं इस पूरी चीज को पांच इंटीग्रल में डिवाइड कर सकता हूं। ई डॉट डी ए पहले सरफेस कर लिया, फिर दूसरे सरफेस में कर लिया ई डॉट डी ए, फिर ऐसे में करता चला गया और पांचवें सरफेस पे मैंने ई डॉट डी ए इंटीग्रल कर लिया। अब यहां पे फायदा ये है कि ये जो पूरा वन है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो इट मेक सेंस टू फाइंड इट आउट सेपरेटली, राइट। इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी सेपरेटली निकाल लो, सबका सेपरेटली निकाल के आप ऐड कर लीजिए, तो इस तरह से आप जो है इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इंटीग्रल तो स्प्लिट कर दिया है, लेकिन क्या इसको वापस अभी इस शेप में इंटीग्रेट करना आसान होगा? फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू कॉस थीटा। वेरिएबल्स दिस इंटीग्रल, थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। इस इंटीग्रल के पास थ्री वेरिएबल्स हैं और ये सिंगल इंटीग्रल ऐसे करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीन वेरिएबल है, मुझे सब कुछ सिंगल वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है। और एक और चीज आप यहां पे ध्यान रखिए कि आपको थीटा पहले से ही पता होना चाहिए तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको, और अगर थीटा पहले पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन पहले से ही मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तीन वेरिएबल है तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार आप ये सॉल्व पाएंगे, लेकिन देर आर सम स्पेशल केसेस जहां इंटीग्रल बड़े आराम से निकल के आ जाता है, तो हम वो स्पेशल केस जानेंगे क्या है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ऑलराइट। तो आप लिख लीजिए स्पेशल केसेस केस नंबर वन, थीटा इज 90 डिग्री, ओके। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री फ्लक्स इज हाउ मच, जीरो, राइट। तो वो एक केस वन नंबर वन हो गया। केस नंबर टू यहां पे आप लिख दीजिए फ्लक्स इज जीरो।